तो दोस्तों भारत भर में मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर्स बहुत सारी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स प्रोवाइड करते हैं और इस भीड़ में जानना कि कौन सी ऐप बेहतर है मुश्किल हो सकता है। हर ब्रोकर कहता है उसकी ऐप के पास सबसे ज़्यादा फीचर्स, सबसे अच्छी स्पीड और सबसे बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इसलिए आपके लिए अलग अलग मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स के डेमो हम लेके आते हैं, रियल टाइम पे देखते हैं कि अलग अलग फीचर्स कौन से हैं, क्या स्पीड है उन ऐप्स की, ताकि आप खुद से जज कर सकें उस स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलने से पहले। आज बात करेंगे IIFL Markets के बारे में, जो कि IIFL की मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इनका गूगल प्ले स्टोर पर तो अच्छा खासा रेटिंग है, लेकिन क्या वाकई में ये उस रेटिंग के लिए हकदार है या नहीं, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है IIFL Markets ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS पे जाके। वहाँ पे आप जैसे ही स्क्रीन पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स आ जाएंगी। आप गेस्ट लॉगिन भी कर सकते हैं, मतलब बिना डीमैट अकाउंट खोले भी इनके साथ आप इनकी मोबाइल ऐप को खुद से डेमो करके चेक कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप कीजिए, ये डेमो देखिए और खुद से भी इसको करके देखिए, ताकि आपको रियल टाइम पे आइडिया हो सके। करना कुछ नहीं है, गेस्ट लॉगिन पे टैप करना है, अपना नंबर प्रोवाइड करना है, OTP वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप ट्रेडिंग कैरी आउट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास लॉगिन है और उसके बेस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना लॉगिन करके ऐप्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन में, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड बेसिकली आप जब एक्सेस करते हैं तो आपके सामने जो करंट इंडिसेस हैं, प्राइमरली सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसके अलावा जो भी इंडिसेस हैं, उसका रियल टाइम पे मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अभी का ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। आज की तारीख में जो मार्केट मूवर्स हैं स्टॉक लेवल पे वो दिखाई देंगे, उसके अलावा डेरिवेटिव्स कौन से चल रहे हैं ट्रेंड में वो दिखेंगे, एंड देन यू कैन गेट टू सी दी न्यूज़ कि कौन सी न्यूज़ इस समय मार्केट में स्टॉक्स को मूव कर रही हैं। तो यहाँ से आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है। आप इंडिसेस लेवल पे, कमोडिटी लेवल पे, करेंसी लेवल पे टैप करके चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेगमेंट में क्या हालचाल चल रहा है। अब आप मेन्यू में अगर ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, एक एक करके बात करेंगे। कुछ फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ फीचर्स डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हैं, उस हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले वॉच लिस्ट देखते हैं। वॉच लिस्ट में आपको निफ्टी 50 बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। इसमें आप कस्टमाइज वॉच लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन मैंने ऐड करके रखा है, आई कैन सिंपली ऐड अदर स्टॉक्स हियर, एंड वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3 भी आपके सामने अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे आप नए स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करना भी काफ़ी आसान है, सिंपली आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है, एक्सिस बैंक मैंने ऐड किया है, और सिंपली डिटेल्स पे जाके आप वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, डिटेल स्क्रीन में क्या क्या आपको डिस्प्ले होता है, लेकिन वॉच लिस्ट को एक्सेस करना इजी है। आप स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम पे और उस हिसाब से प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हैं इन केस आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो वॉच लिस्ट फीचर इज़ ईजी है एक्सेस करना। किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आप किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं प्राइमरीली और देखना चाहते हैं कि वो स्टॉक की मूवमेंट किस तरफ जाएगी, देन आप उसमें निवेश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस का स्टॉक अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो सिंपली इन्फोसिस टाइप करना है। यहाँ पे आपको इन्फोसिस के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, आपको पाँच या छः तरीके के यहाँ पे एक्शंस लेना अलाउड है। आप यहीं से ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं, बाय या सेल का शॉर्टिंग भी कर सकते हैं और डायरेक्टली लॉन्ग जा सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पे जा सकते हैं, इसकी रिसर्च यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इसका प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं डिटेल देखना चाहता हूँ, बाय सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन OHLC ओपन हाई लो क्लोज प्राइस मार्केट का सामने आ जाएगा। 52 वीक लो और 52 वीक हाई भी सामने है, वॉल्यूम भी है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का क्या है वो मेरे सामने मौजूद है। देन आई कैन ऑल्सो गेट टू सी द बेसिक चार्ट एप्लीकेशन का, जो बेसिक रादर स्टॉक का जो बेसिक चार्ट है, डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे, आई कैन गो टिल 5 ईयर्स। और अगर मैं ध्यान से टैप करूँ यहाँ पे एडवांस चार्ट पे और अपने फ़ोन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोड में खोलता हूँ तो सारा का सारा जो चार्ट है वो एडवांस लेवल पे खुल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको एडवांस फीचर मिलेंगे उसी चार्ट को एक्सेस करने के। ये अभी डेली लेवल का है,
यहाँ से भी मैं बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेसमेंट डायरेक्टली कर सकता हूँ इफ़ आई एम गिवन अ चांस। लेट्स से मैं अगर मंथली इसका प्राइस मूवमेंट देखना चाहता हूँ, अभी आपके सामने जो चार्ट खुला है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। आई कैन चेंज द चार्ट टाइप टू डिफरेंट अदर ऑप्शंस हियर। देन यहाँ पे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो OHLC फॉर्मेशन है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, सिमिलरली एरिया चार्ट है। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखना चाहें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अराउंड 70-80 टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलेंगे जिसमें से आप पिक कर सकते हैं। सिमिलरली ड्राइंग टूल्स हैं यहाँ पे जो कि आपको हेल्प करते हैं आपका एनालिसिस और अच्छे से करने के लिए। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, कुछ हद तक स्विंग लेवल ट्रेडर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद हो सकता है। आई कैन ईजिली चेंज दी ओवरऑल ड्यूरेशन और मैं यहाँ पे जो नीचे का फ्रीक्वेंसी है उसको भी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं स्पेसिफिक या थोड़ा जेनरिक जाना चाहता हूँ, मतलब ईयरली लेवल पे या डेली लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो दोनों ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। तो एक ठीक ठाक लेवल का चार्ट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर IFL मार्केट्स की ऐप आपको अलाउ करती है। तो डिटेल मैंने देख ली। अब मैं मान लीजिए इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हूँ, बाय करना चाहता हूँ, तो मैं बाय टैप करूँगा। यहाँ पे मार्केट डेप्थ आप देख सकते हैं कि इस समय गिवन पॉइंट इन टाइम पे जब मार्केट खुला है उस टाइम पे उस स्टॉक का डिमांड और सप्लाई लेवल पे क्या चल रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो कोई बेचना चाहता है, कोई बिड कर रहा है, कोई आस कर रहा है, क्या वॉल्यूम पे, क्या प्राइस पॉइंट पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाती है। अगर हमको क्विक ऑर्डर प्लेसमेंट करना है तो लिमिट और मार्केट ऑर्डर टाइप्स मेरे को मिलेंगे। मुझे क्वांटिटी डालना है, मुझे प्राइस डालना है और आई कैन प्लेस दी ऑर्डर बाय टैपिंग ऑन दी बाय बटन। मार्केट ऑर्डर डालना है तो जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है वो मेरे को मिल जाएगा। इंट्राडे लेवल पे भी मेरे को ये चीज़ अवेलेबल है। देन मूविंग ऑन, इफ यू टॉक अबाउट एडवांस चार्ट्स, तो एडवांस में लिमिट, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर मेरे पास है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, तो 5 तरीके के ऑर्डर मैं प्लेस कर सकता हूँ अगर मैं एडवांस्ड टाइप का ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मैं क्वांटिटी यहाँ पे सेट करूँगा। मान लीजिए मुझे 100 स्टॉक खरीदने हैं इन्फोसिस के, प्राइस पॉइंट में कुछ और भी डिफाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं 900 रुपये पे इसको बाय करना चाहूँगा और ये मैं डे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, इंट्रा डे है तो मैं डे लेवल का इसका वैलिडिटी देना चाहूँगा। और बाय पे जैसे ही टैप करूँगा तो मेरे पास समरी आ जाएगा कि कितना पैसा मुझसे एक्सपेक्टेड है, 90,000 रुपये का ये ऑर्डर है और क्या प्राइस पॉइंट मैंने डिफाइन खुद किया है। अगर ये प्राइस पॉइंट पे जब भी पहुँचता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा बाय लेवल पे। तो सिमिलरली सेल आप कर सकते हैं, दैट्स प्रीटी मच ईजी एज वेल। जब आपका पास ये स्टॉक आ जाएगा देन यू कैन प्लेस दी सेल ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दी ट्रेड एंड अपना प्रॉफिट या अपना मुनाफा निकाल के आप आगे चल सकते हैं। तो सिमिलरली करेंसी कमोडिटी लेवल पे भी आप ट्रेडिंग ऐसे कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेसमेंट करना रिलेटिवली ईजी है। देखिए मैं स्क्रिप्ट पे गया, स्क्रिप्ट का डिटेल देखा, उसका चार्ट देखा, उसका ऑर्डर प्लेसमेंट कर दिया। तो देर इज ए स्पेसिफिक फनल जिसके बेस पे मैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ। सर्च भी स्क्रिप्ट लेवल का सर्च करना है आपको तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करने हैं कैरेक्टर्स, इन्फोसिस का एग्जांपल ही लेंगे और आपके सामने वो सारे के सारे स्टॉक लिस्टेड हो जाएंगे। देन मूविंग ऑन, देर आर थिंग्स लाइक स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं बिना किसी एनालिसिस खुद किए हुए, इनकी जो रिसर्च है उस पर विश्वास करके, तो आप स्मॉल केसेस का जो है प्रोडक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ओवरऑल जॉनरे ऑफ दी पर्टिकुलर स्मॉल केस, कि किस कैटेगरी का वो स्मॉल केस है, किस कैटेगरी का वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और उसके बेस पे उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ क्या है, मिनिमम अमाउंट कितना एक्सपेक्टेड है, ये सब चीज़ों के बेस पे आप स्मॉल केस में निवेश कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसी तरीके से आप अलग अलग फीचर जैसे कि स्क्रीनर्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनर्स में आपको अलग अलग लेवल की स्क्रीनर्स, अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहें तो लॉन्ग टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहें, आप बेयरिश हैं, आप बुलिश हैं, आप स्टॉक के मूविंग एवरेज चेक करना चाहते हैं, आप प्राइस वॉल्यूम पैटर्न चेक करना चाहते हैं, तो उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। मान लीजिए मैं फंडामेंटल स्क्रीनर्स में इंटरेस्टेड हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है मेरे लिए, तो फंडामेंटल में ग्रोथ स्टॉक्स का एक स्क्रीनर है। इसमें जो BSE 500 के ओवरऑल स्टॉक्स हैं उसमें जो भी ग्रोथ स्टॉक्स IFL की नज़र में हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, वो सामने आ जाएंगे।
और इसके बेस पे मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करना भी जैसे आपने देखा रिलेटिवली ईजी है। सिमिलरली अगर आप IPO में निवेश करना चाहें IPO में कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे IPO अवेलेबल रहेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, पूरा पूरा डैशबोर्ड इसी पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि आपको म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल दिखाई देते हैं, देन यू कैन प्लेस योर इन्वेस्टमेंट देयर। देन उसके अलावा आपके पास सुपरस्टार पोर्टफोलियो है, ऐसे ऐसे फीचर्स भी हैं जो जनरली मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स में दिखाई नहीं देते, तो थोड़ा सा अलग से USP भी है इन टर्म्स ऑफ द एग्जॉस्टिवनेस ऑफ द फीचर्स द एप्लीकेशन हैज़। सुपरस्टार पोर्टफोलियो बेसिकली बताता है भारत के जो टॉप इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कितनी मार्केट कैप के साथ, किस प्राइस पॉइंट पे, क्या वॉल्यूम है, ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे। मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला का अगर आपको देखना है कि उनके पास क्या पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, तो ये सारे स्टॉक्स क्वांटिटी, होल्डिंग परसेंटेज और करंट वैल्यूएशन पे आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको इसके बेस पे डिसीजन लेना है या नहीं ये आपकी मर्जी है, लेकिन डेटा आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, आप प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया प्राइस अलर्ट सेट करना काफ़ी ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाटा मोटर्स पे प्राइस अलर्ट सेट करना चाहते हैं, प्राइस पॉइंट डिफाइन कीजिए और जैसे ही वो प्राइस पॉइंट टच होगा आपके सामने वो प्राइस अलर्ट आ जाएगा। देन मूविंग ऑन आइडियाज़, अब फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, जनरली जो डिस्काउंट ब्रोकर रहते हैं वो आइडियाज़ या टिप्स प्रोवाइड नहीं करते। इसमें आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे लेवल पे, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट्स भी अवेलेबल रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप 5 दिन का मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 5 दिन का स्टॉक है SBIN का 196.25 रुपये पे मौजूद है। स्टॉप लॉस ये कहते हैं 190 रुपये लगाइए, टारगेट प्राइस लगाइए 215 रुपये और आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, आप खुद से एनालिसिस कीजिए बेस्ड ऑन द टिप्स दे हैव प्रोवाइडेड, बट सर्टेनली ये ब्रोकर आपको टिप्स जरूर प्रोवाइड करेगा, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। देन मूविंग ऑन, अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में आप पैसा लगा सकते हैं। ऑप्शन लैडर आपके सामने है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक प्राइस, उसके LTP परसेंटेज चेंज और ओपन इंटरेस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मैं इंटरेस्टेड हूँ और उस पे पैसा लगाना चाहता हूँ, तो सर्टेनली आप यहाँ से वो क्लिक करके मूव ऑन कर सकते हैं। आपको सिंपली इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, मान लीजिए मैंने ऐड किया, डन किया, एंड देन गो बैक टू दिस वॉच लिस्ट हियर जो शुरुआत में आपको दिखाया था, और मेरे वॉच लिस्ट 1 में ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो कॉल जो ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो फ्यूचर में अगर निवेश करना चाहूँ डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पे पैसा लगा सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे डेट चेक करना है, मुझे उसके बाद बाय या सेल प्लेस करना है, डिपेंडिंग कि कितने लॉट में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो डालना है, प्राइस पॉइंट है ही, एंड प्लेस द ऑर्डर। जैसे कि पहले आपको बताया कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना भी रिलेटिवली आसान है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। देन रिसर्च रिपोर्ट, हम आइडियाज़ के बारे में बात कर चुके हैं लेकिन इसके पास रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपके सामने ये पर्टिकुलर स्टॉक लेवल पे इक्विटी हो या IPO हो या स्ट्रेटजी हो, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि पूरा का पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन के साथ कि स्पेसिफिक आपको बताया जाएगा कि क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है आपकी होल्डिंग के लिए या नहीं। सिमिलरली गोल प्लानर है, ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि आपको बताया कि जनरली जो मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में नहीं देखे जाते हैं लेकिन इसमें हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इसको इसका गेस्ट डेमो खुद से करके देखें, हमने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन सर्टेनली देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स जो कि हम कवर करना चाहेंगे डिटेल में, और उसकी स्पेसिफिक वीडियोज भी लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन ये एक ओवरव्यू था कि अगर आपको जनरल लेवल पे इंट्राडे हो या अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो उस तरीके से आप किस बेसिस पे IFL मार्केट्स के थ्रू अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। IFL मार्केट्स के डेमो में हमने काफ़ी फीचर्स को एक्सेस किया है, आप भी कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं और IFL मार्केट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा है, और ताकि इससे हेल्प हो सके बाकी के ट्रेडर्स को कि उनको अगर सोचना है IFL मार्केट्स के बारे में तो किस डायरेक्शन में सोचें। तो दोस्तों IFL मार्केट्स के डेमो में बस इतना ही कोशिश की है हमने डिटेल में चर्चा करने की, होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अ डिजिटल ब्लॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस स्टॉक मार्केट के, मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के डेमो, ब्रोकर रिव्यूज़ और भी न जाने क्या आपके लिए हम पेश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।